एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉगिंग वीडियो में। बहुत वक्त हो गया था मैंने अपने चैनल पे कोई भी कंटेंट नहीं डाला है, बट मेरे कुछ काम के कारण मैं अपने वीडियोस में कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। बट आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ और उसी के रिगार्डिंग आज का ये पूरा वीडियो रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपना एंट्रेंस। ये रहा हमारे ब्राइट कल्चर कोचिंग सेंटर का एंट्रेंस। सो आइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्टर लगा हुआ है ब्राइट कल्चर कोचिंग सेंटर्स के रिगार्डिंग, और इसमें जो भी फीचर्स हैं, क्लासेस कौन कौन सी चलेगी, सभी के लिए यहाँ पर आपको डिटेल जो मिल जाएगा। हम वीडियो में आगे इनके बारे में बात करेंगे। और हमारे इस कोचिंग सेंटर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, वहाँ हमारे जो चीफ गेस्ट थे श्री औदुप ताबिंग, जो DDAC सर है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, और श्री जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे श्री तालुक सिराम, एनवायरमेंटल एंड टूरिज्म सेक्रेटरी। सो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ, और अब आगे आइए हम आपको दिखाते हैं अपना रिसेप्शन। ये है हमारा रिसेप्शन टेबल, जहाँ हमारे एक मेंबर बैठता है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, या फिर और कोई भी एजुकेशन के रिगार्डिंग, किसी को भी काउंसलिंग जरूरत हो, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर मैनेज किया जाता है एक फैकल्टी के द्वारा। फैकल्टी भी है और साथ में रिसेप्शनिस्ट के द्वारा। सो ये हमारा काउंटर टेबल हो गया, और आइए अंदर। और अगर कैमरे को मैं थोड़ा सा और मूव करूं, सो ये रहा हमारा एक हॉल। ये सबसे बड़ा ये हमारा एक हॉल रहेगा, जहां पर फैकल्टी हो या फिर कोई पेरेंट्स हो या फिर बच्चे अगर जल्दी आ जाते हैं तो आराम से यहां पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और यहां पर हम लोग कुछ और भी अरेंजमेंट करने वाले हैं, जैसे कि बुक्स अवेलेबल कराया जाएगा, यहाँ पर शेल्फ लगाया जाएगा, और भी मल्टीपल यूज के लिए इस जो हॉल को हमने बड़ा रखा था। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्लासरूम में। सो हियर इट इज, ये है हमारा सबसे पहला क्लासरूम। थोड़ा सा मैसअप है, बट देख सकते हैं कि ये है हमारा सबसे पहला क्लासरूम, जहां पर हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक एक चेयर रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। हमने बच्चों से भी ये फीडबैक लिया है कि कैसा है ये, तो उन्होंने बोला कि चेयर्स बहुत सही है, प्लस सब अलग अलग बैठने के कारण कोई ज्यादा इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंस एक दूसरे में नहीं फैलता है। बचा हुआ है, जैसे वॉशरूम के लिए थोड़ा बचा हुआ है, वो विद इन वन वीक में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब देखिए हमने स्पेशली बच्चों के लिए लगवाया है, ताकि जो भी प्रोटेक्शन हो, कोई गिरने का कोई चांस ना हो, क्योंकि बच्चे थोड़ा ऊपर आने के बाद डर लगता है उनको, तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर जाली लगवाया है, वॉल लगाया है। तो अब बच्चे आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, जल्दी भी आ जाए, थोड़ा घूमे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हाइट फोबिया रहता है, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली ये चीज़ को सेटअप कराया है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्लासरूम की ओर मूव करते हैं।
को लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स आसपास जो भी है उनको इन्फॉर्म करिए यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए. सो थैंक यू सो मच और बाय बाय.